हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। वेलकम टू SBA। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारी कुछ तैयारियां चल रही हैं टूर के लिए, तो फाइनली आज हमारा जो है टूर पे जाने का जो है दिन आ चुका है और आज हमारी जो है इंशाल्लाह रवानगी है। और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि भाई दोस्त सारे जो जमा होने का पॉइंट हमने जो तय किया हुआ था वहाँ सारे पहुँच चुके हैं, सब ने नाश्ता कर लिया और मेरी जो है तैयारियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। बड़ी मुश्किल अपनी जो है पैकिंग शैकिंग की है, सारी सामान शमान सारा उठाया और वो लोग वहाँ पर जो है ना वेट कर रहे हैं। तो मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। वहाँ जाके दोस्तों से मिलते हैं और दोस्तों से मिलने के बाद इंशाल्लाह 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 अपनी जनरल राइड स्टार्ट करेंगे। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि ये एक इंतहाई इंतहाई इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है इंशाल्लाह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और काफ़ी लेंथी सीरीज है, इसमें काफ़ी इंजॉय होगा और हमारे साथ रहेगा और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मस्ट है। जैकेट वैकेट मैंने पहन ली है और हेलमेट पे गोप्रो वगैरह जो है लगा लिए। सामान अभी जो है मैंने बाइक पे ऑलमोस्ट सारा लगा दिया, बस एक बैग लगाना है और फिर निकलते हैं। ओके अजमल, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो घूमने फिरने? हमें लेके जाओ अपने साथ। पीछे से ध्यान करना, ठीक है, शरारतें नहीं करना ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह। ये भाई سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। मुझे तो डर था, मैंने कहा ये सब निकल गए होंगे। तमाम दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, तकरीबन 7 हम जो है अबाब हैं जो तैयार है जाने के लिए इंशाल्लाह। और सब दोस्त सब तैयार है जी? नहीं, आप लोग तैयार नहीं है, आपका जज्बा ही कोई नहीं तैयार है इंशाल्लाह। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, आज हमारा जो है स्टे है मानसेरा और फिर मानसेरा से आगे इंशाल्लाह हम आगे निकलेंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा जो है ये तमाम का तमाम सफ़र जो है वो खैर आफियत से गुजरे, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी तकलीफ के। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपने भी अपनी दुआ में खसूस याद रखना है, शुरू करते हैं अपना सफ़र। रास्ते जो है फिर बंद किए हुए हैं, लाहौर के अंडर पासिस बंद किए हुए हैं जमान पार्क की वजह से और ट्रैफिक का वही बुरा हाल, रास्ते बंद होने की वजह से ट्रैफिक जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है लाहौर की। ये यहाँ से जो है हम टैंक फुल करते हैं बाइक का और फिर उसके बाद आगे इंशाल्लाह निकलेंगे। यार फुल कर दो। फुल कर जी। जी जो है मीनार पाकिस्तान से जो है गुज़र रहे हैं और स्टॉप जो है हमारा जो पहला हमने डिसाइड किया है, वो हमने पहला स्टॉप डिसाइड किया है गुजरांवाला से आगे रावाली कैंट है, वहाँ पे एक दोस्त है तो उन्होंने कहा कि मुझे मिल के जाना, तो उनके पास हम 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी होगा वहाँ स्टे होगा, नमाज शमाज वहाँ पे अदा हो जाएगी हमारी और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। खैर अभी तकरीबन 10:30 हुए हैं तो हम 11:30-12 तक तो हम पहुँच ही जाएँगे इंशाल्लाह। तो खैर नमाज का टाइम तो नहीं होगा, नमाज हमारी आगे ही आएगी जोहर, तकरीबन 12:30 के करीब टाइम दाखिल होता है नमाज का। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है बादशाही मस्जिद, इसे कहते हैं आज़ादी ब्रिज, ये बड़ा खूबसूरत ब्रिज है। यहाँ से मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद जो है बड़ी वाज़ह और ख़ूबसूरत नज़र आती है, बड़ा प्यारा व्यू है यहाँ से। अभी जो है हम निकले हैं शाहदरा मोड़ से और टाइम हो चुका है तकरीबन 10:58। शाहदरा मोड़ से निकले हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, 15 से 20 मिनट, और बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक की ब्लॉकेज थी क्योंकि जो है शाहदरा जो बिल्कुल मोड़ है
वहाँ पर कोई जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी वजह से बिल्कुल ब्लॉकेज थी। और अभी जो है बाहर का जो तापमान है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि नहायत पर जो है गर्मी है। जैसे ही बाइक रुकती है तो यकीन माने बाइक जो है ना बाहर गर्मी इतना सताती है और कि बस बंदा कहता है यार कि बाइक रोके ना, कि चल रही है तो हवा लग रही है और गुजारा हो रहा है, और दिल कर रहा है कि बस फटाफट जल्दी जल्दी जो है ना पहुंच जाएं हम अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे ठंडी हवाएं, सर सब्ज़ और शादाब पहाड़, क्या बात है। एग्जैक्ट 11 बज चुके हैं और काला शाह काकू टूल प्लाज़ा जो है अभी हम कर रहे हैं क्रॉस। 125 वाला भाई तो भाई रुक ही नहीं रहा, वो सबसे आगे है होंडे वाला। गुजरा वाला टूल प्लाज़ा आ चुका है और पूरे 11:40 हो चुके हैं। तकरीबन 11 बजे हम निकले थे काला शाह काकू टूल प्लाज़ा से, और अभी 40 मिनट लगे हैं काला शाह काकू से गुजराना में आने में गुजरा वाला टूल प्लाज़ा पे। चलान वगैरह हो रहे थे, ट्रैफिक वाले कर रहे थे मैंने कहा मुझे ही ना रोक ले, खैर लाइसेंस वगैरह हर चीज़ कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ मिस नहीं है। ये भी हम पहुँचे हैं रावली कैंट, ये सामने भाई का दफ्तर है ऑटो डील के नाम से। बाकी अली भाई जी और यासिर भाई भी आ गए। यहाँ पानी छानी थोड़ी रिफ्रेशमेंट करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से इंशाल्लाह। तकरीबन 12 बजे हम यहाँ पहुँचे थे ये दोस्त के पास, यहाँ हमने स्टे किया है वो घंटा सवा घंटा, और अभी जो है यहाँ से रवाना हुआ है। 1:22 हो चुके हैं, पानी शानी कुल्फियाँ चुल्फियाँ खाई हैं, इधर इंजॉय की है, थोड़ी देर रेस्ट की है, नमाज़ पढ़ी है जुम्मे की, और जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जो है अभी हमने अपना सफ़र जो है अगला शुरू किया है। और नेक्स्ट स्टॉप जो डिसाइड किया है वो तो रावलपिंडी है, लेकिन बीच में शायद कोई स्टॉप आ भी सकता है। आज जो है हवा का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, बाइक जो है ना बड़ी मुश्किल हो रही है, बाइक को जो है ना हवा बिल्कुल कभी इधर फेंकती है कभी इधर फेंकती है, और ठीक ठाक प्रेशर है, बाइक बड़ा ज़ोर लगा के ना बाइक आगे जा रहा है। लाहौर से हम निकले हैं तो मैंने कहा शायद हवा का रुख इस तरफ को है, लेकिन मुसलसल अभी भी बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर है। इस बार जो हमारा प्लान है वो ये है कि अभी जाके मानसरा रात स्टे करेंगे, वहाँ से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या मतलब अगर बाबू सर पास ओपन हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम बरास्ता जो है नारान ही जाएंगे, अगर बाबू सर पास ओपन हुआ तो, अगर बाबू सर पास ओपन ना हुआ तो फिर हम बरास्ता जो है बशाम जाएँगे, यानी थाकोट बशाम और आगे जो है वो सारा जो इलाका है दासू का और दिया मेर भाषा डैम है, तो ये सारा एरिया हम उस एरिए से जाएंगे चलास। जीटी रोड से जाते हुए ना मुझे ये बहुत खूबसूरत लगती है ये जगह, ये राइट लेफ्ट जो है यहाँ पर दरख्त है सब्ज़ा है, बड़ी खूबसूरत जगह की लुक है। अभी पीछे ग्रुप में एक आमिर भाई हैं, मैंने देखा साइड पर रुके हुए थे तो मैं भी रुक गया, तो उनका जो है ना बाइक हुआ था पंचर, तो उन्होंने पंचर लगवाया, मैंने कहा मैं भी अपनी बाइक की जो है ना हवा वगैरह वो देख लूँ, मैंने चेक नहीं हवा की थी, तो क्या हवाएं बाइक में थोड़ी थी, जब पिछला टायर देखा है तो भाई टायर मेरा अभी जो है ना कहीं रास्ते में लगता है कहीं लगा है या कुछ भी, वो उसमें मतलब कितने बड़े बड़े जो है ना वो बन गए हैं आलू, अगर पंजाबी के आलू बन गए इतने बड़े बड़े। तो अभी जो है फ़िलहाल तो मैं उसी टायर के साथ जा रहा हूँ, कोई जैसे कि शहर आता है कोई जैसे कि सराय आलमगीर आ रहा है तो यहाँ से रुक के ना टायर जो है वो एक ज़रूर मैंने अब पिछला चेंज कर, टायर ने जो है अभी बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है जो है ना बबलिंग,
बिल्कुल मोटरसाइकिल जो है बहुत ज़्यादा कर रहा है पब्लिक। और यहाँ पर है जुम्मा, जुम्मे के दिन ऑलमोस्ट जो है शॉप जो है वो क्लोज़ है। उम्मीद तो है बिल्कुल आबादी आई है यहाँ पर, कोई दुकान नज़र आ जाए। वैसे मुझे एक मशवरा किया उन्होंने, कहा जो है ना सर्विस का बेहतर है, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है और मोटरसाइकिल चलने का नाम नहीं ले रहा। मंदरा टूल प्लाजा पे सारे जो है वहाँ पे कह रहे थे कि हम वहाँ खड़े होकर आपका इंतज़ार जो है ना कर रहे हैं। अभी देखें, अभी मंदरा तकरीबन रह गया है 19 किलोमीटर। ये चेक करें कितना माशाल्लाह खूबसूरत व्यू आ रहा है, क्या आवाज़ है। अली भाई से मेरी जब बात हुई तब, जब मैं टायर जो है ना नया डाल रहा था बाइक को, तो कह रहे थे कि हम जो है ना मंदरा खड़े हैं। तो मैंने वहाँ से गूगल पे चेक किया तो मंदरा तकरीबन आ रहा था 57 किलोमीटर। तो अभी पीछे बोर्ड गुजरा, इस पर 3 किलोमीटर। तो लेट्स सी, देखते हैं कि निकल गए हैं या मेरा वेट अभी तक वहाँ पे रुके हुए हैं। काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, तकरीबन 1 घंटे के करीब जो है टाइम वेस्ट हुआ मेरा। फिर मैंने कहा चलो चल जाएगा, अगर पिंडी तक पहुँच गया तो पिंडी से टायर ले लूँगा नया। लेकिन वो 2 किलोमीटर के बाद ही वो मोटरसाइकिल ना छलांगे मारने लग गया, वो इतना आलू इतना बड़ा हो गया तो वो तो जाना चलना ही मुश्किल हो गया। फिर बड़ी मुश्किल टायर मिला। जुम्मे का दिन था यहाँ पे, जुम्मे के दिन छुट्टी होगी क्योंकि लाहौर में तो छुट्टी होती है इतवार की। तमाम जितनी मार्केट थी सारी क्लोज थी। टूल प्लाजा जो है ये सामने आ गए, और अभी देखते हैं कि दूसरे राइडर्स खड़े हैं या जा चुके। प्लाजा नज़र तो नहीं आ रहे, लगता यही है कि ये लोग निकल चुके हैं। नहीं नहीं वो सामने होटल पे खड़े हैं सारे। एडमिन जो है गुजरा सब भाइयों का बजट जो है पूरा करके गिन रहे हैं। आमिर भाई भी मेरे साथ बड़ा खजल खराब हो गए हैं, मैंने टायर डाला है, मुझे आके पता लगा कि इनकी बाइक उसके बाद 2 दफ़ा और पंचर हुई। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर आपका पहाड़ों पे? मज़ा आया, खाना और 15,000 रुपये की दाल सब्जी। अभी हम रवाना हुआ है मंदरा टूल प्लाजा से, और टाइम हो चुका है तकरीबन 7:30, 7:26 हो चुके हैं। तकरीबन 2-2.5 घंटे हम यहाँ बैठे हैं, रेस्ट किया, खाना खाया। आमिर भाई जिनका पहले पंचर हुआ था बाइक ना, तो वो रास्ते में उनका 2 दफ़ा दोबारा पंचर हुआ, तो मैं तो मेरा टायर का मसला बन गया था मुझे। मैं समझा कि वो आगे निकल गया, लेकिन उनका भी जाना वो टायर का था प्रॉब्लम, तो वो मेरे से भी लेट तकरीबन 45 मिनट बाद पहुँचे। तो अभी हम 7:30 मगरिब की नमाज़ पढ़ के खाना वगैरह खा के तो अभी हम निकले हैं आगे मानसेरा के लिए। रावलपिंडी पहुंच चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह गीगा माल। रावलपिंडी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यार, आखिर इसकी ब्यूटी है, बड़ी प्यारी बिल्डिंग है इस माल की। रावलपिंडी शहर ही इतना बड़ा है कि तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी हमने रावलपिंडी ही क्रॉस नहीं किया, बिल्कुल शहर के जो है ना मिड में से गुजर के जाना पड़ता है टेक्सला के लिए। जैसे ही रावलपिंडी आया तो थोड़ी सी जो है ना हवा में फ़र्क महसूस हुआ है, हवा में जो है ना ठंडक है। तो उम्मीद है जैसे जैसे हम मतलब टेक्सला की तरफ जाएंगे या आगे मानसेरा की तरफ, तो जो हवा है उसमें ठंडक ज़्यादा हो जाएगी। अभी जो है मैंने चेक किया था इसका टेम्परेचर हुंजा का, जहाँ पे अभी हम रुके हुए थे, खाना हमने खाया स्टे किया, तो हुंजा का जो टेम्परेचर है वो अभी -9 है। तो मैं हैरान रहे कि -9 टेम्परेचर है
और लाहौर का जो आज टेम्परेचर था वो 42 था, तो बहुत बड़ा जो है ना डिफरेंस है मौसम का। मुझे बताते ख़ुद रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों बहुत पसंद है शहर रहने के लिए भी और वैसे भी। अभी जो हम टेक्सला में से गुज़र रहे हैं, लास्ट तकरीबन 8 से 9 महीने पहले जो मैंने ट्रिप किया था बाइक ट्रिप हंजा और रस्कर्दू का, तो उस टाइम भी मैं बाय रोड आया था। अगर आपने मेरी लास्ट सीरीज़ देखी है रस्कर्दू वाली, तो ये जो रोड है ये बिल्कुल ख़राब था, उसकी मतलब हालत गैर थी। मतलब यहाँ से अभी हम स्मूथली जा रहे हैं, रोड बिल्कुल न्यू बन चुका है। और आप ये देखें कि उस टाइम ये कंडीशन थी कि मतलब हाल में आधा आधा फुट गहरे जो है ना यहाँ पे वो थे, बड़े बड़े गहरे गहरे जो है ना खड्डे। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह रोड स्मूथली बन चुका है, तो बड़ी खुशी हुई है यार। कि मैं यही सोच रहा था कि यार ये रास्ता बड़ा ख़राब है और टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोड जो है बड़ा बेहतरीन बन चुका है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं मानसेरा, और टाइम जो है रात के 11:30 बज चुके हैं। सुबह हम 9:30 बजे रवाना हुए थे अपनी मंजिल की तरफ, और रात के 11:30 बजे हैं और हम पहुंचे हैं जी मानसेरा। तकरीबन इसमें हम 1.25 घंटा हम स्टे किया हमने रावली कैंट, और इसके अलावा मिनिमम कम से कम भी 3 घंटे हमारे उधर आए हैं अमंदरा टूल प्लाज़ा पे। मेरा टायर ख़राब हुआ, वो चेंज हुआ, मुझे काफ़ी टाइम लगा, और जो है आमिर भाई का जो है वो था टायर 3 दफ़ा पंचर हुआ, तो उधर काफ़ी टाइम लग गया। तो 3-4 घंटे हमारे वेस्ट हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर वाफ़ियत से पहुँच चुके हैं मानसेरा। हालत इस टाइम यकीन जाने बहुत ज़्यादा ही टाइट है, दिल कर रहा है बस बिस्तर हो और लेट जाए बगैर कुछ खाए पिए और सो जाएँ। तो कोई तो होटल देखते हैं, होटल का रूम शूम लेते हैं, सोने का प्रोग्राम करते हैं। ले जी सारे हम पहुंच चुके हैं मानसेरा, सारे बाइकर्स, और अभी हम अच्छे से जो है ना रूम की तलाश में हैं, जो हमें कोई अच्छा सा जो है रूम मिल जाए। और सब की हालत जो है बस हुई पड़ी है, मट्टी हुई पड़े हैं यहाँ पर, तो जो है कोई अच्छा सा रूम देखते हैं और फिर उसके बाद आराम करते हैं। अभी होटल में रूम लिए, रूम लेते ही पहले मैंने शॉवर लिया, क्योंकि बहुत बुरी हालत है मट्टी से, इतनी मट्टी कि आप सोच नहीं सकते। जो है जैकेट कपड़े शपड़े शूज़ हर चीज़ पे इतनी मट्टी कि पत्नी पर कहाँ से हमारे। खैर शॉवर लिए, शॉवर लेने के बाद फ्रेश हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आराम करूँगा इंशाल्लाह। सुबह का जो प्रोग्राम है कल का वो मैं आपको इंशाल्लाह सुबह बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने घर वालों का भरपूर ख्याल रखिएगा, और नमाज की पाबंदी करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।